तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय आप कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का पेपर देकर आ चुके होंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जैसा कि मैंने बोला था कि परीक्षा हॉल में आपके चेहरे खिल जाएंगे एकदम कमल के फूल की तरह, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे पूरा का पूरा पेपर में आपसे उसी प्रकार का पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर आपका नहीं बैठा है। आप सभी लोग अपने पेपर का मिलान कर लो और बता दो हमें कमेंट करके कि आपके इसमें से कितने नंबर के हुए हैं। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान देंगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताया था, तीन पेपर अगर आप लोग मेरे देखकर गए होंगे तो पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से बना है। देख सकते हो पूरा का पूरा मिलान कर लो आप चाहे तो। पहला लिखा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, 1991 में। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी, देखिएगा फ्रांस में नहीं सोवियत संघ में हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी। तो ये अगर आप लोग लगा कर आए होंगे ना तो बिल्कुल सही होगा, ये नहीं मुझसे गलती से लग गया, ये वाला सही है। अगला, दो ध्रुविता के उदय का कारण क्या था, उपरोक्त सभी। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो। और खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, चीन ने अपनाई। यूरोपीय यूनियन की संघ की स्थापना कब, 1992 में हुई थी। तो अगर आप लोग ऐसे पूरा पेपर कर आए होंगे ना तो पूरे भाई साहब मज़े हो गए आपके। देख सकते हो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान साप्टा पर 8 दक्षेस सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या भरना था, वैसे दक्षेस सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, कौन से 8वें, तो यहाँ पर क्या लिखना था, साप्टा पर 8वें दक्षेस सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे। तो अगर आप लोग 8वें लिखकर आए होंगे ना तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जुलाई 1972 में होता। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 8 है। सिक्किम अलग राज्य बना 1975 में। स्वतंत्रता के बाद भारत के 5 प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। और देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमति पत्र को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सत्य सत्य आपको ऐसे लगा लेने थे, सारे के सारे असत्य थे सिर्फ छठे को छोड़कर। तो छठा अगर आप लोग सत्य लगाकर आए बाकी असत्य कर दिए तो पूरा आपका सही हो गया होगा। जोड़ी मिलान ऐसे आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। मेक मौन रेखा भारत और चीन के बीच में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में हुई। 18वां दक्षेस सम्मेलन नेपाल में हुआ। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। राजीव जयवर्धन समझौता 29 जुलाई 1987 को हुआ। मुक्त व्यापार संधि, व्यापार को अधिक उदार बनाना। तो ऐसे आप सभी लोगों ने इनको देख लिया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इनको देख लें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर नियोजन की परिभाषा आपने लिखी दी होगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पंडित नेहरू थे। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। और विदेश नीति क्या है, ये आपने लिख ही दिया होगा। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया, 18 मई 1974 को। शिमला समझौता 1972 में हुआ। तो देखिएगा पेपर बिल्कुल मज़े आ गए होंगे आज तो आपके, जैसा मैंने आपको बताया पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सारा का सारा मिलान करके देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखा करें, क्योंकि अगर आप लोग प्रत्येक वीडियो को देख कर जाओगे ना तो पूरा मज़ा करोगे भाई साहब। तो इसलिए आप सभी लोग इसको देख ले। क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा है, 18 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है, 21 ये लिखा है, 22 ये दिया गया, 23 ये लिखा। तो देखिएगा पूरा का पूरा आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, यहाँ से आप लोग इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, कितने नंबर के आप लोग छोड़कर आए और कितने नंबर के आप लोग सही करके आए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में आपका लास्ट पेपर था, परीक्षाएं भी आपकी त्रैमासिक समाप्त हो चुकी है। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आगे से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आर्ट्स विषय के सभी जो विषय हैं आपके, जैसे कि अर्थशास्त्र, इसके अलावा राजनीति, इतिहास, सभी विषयों के वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे। और सभी आईएमपी क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें। और आगे आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग आप लोग अगले 2 महीने के भीतर अपने पूरे सिलेबस को निपटा लें, क्योंकि फिर आगे सिर्फ परीक्षाएँ परीक्षाएँ और परीक्षाएँ बचेंगी। क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं इस बार आपकी फरवरी महीने में होने वाली है। तो आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा पेपर आपका गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।